शहर की सरकार चुनने के लिए नगरीय निकाय के चुनाव 4 मई को पहले चरण में होंगे। 17 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन नगर निगम में पर्चा दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नगर निगम परिसर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं MG रोड पर रूट डायवर्जन किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने रविवार को अपने मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया। भाजपा ने पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बसपा ने डॉक्टर लता वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी ने जूही नित्य प्रकाश और कांग्रेस ने लता कुमारी जाटव को प्रत्याशी बनाया है। सभी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मेयर पद के प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में सभी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार नगर निगम में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। सभी ने जीत के बाद अपने क्षेत्र में विकास कराने की बात कही। वहीं नामांकन के आखिरी दिन पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने कहा कि बीते कई दिनों से नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है। 17 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन है। पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा काफी देर से हुई है। नामांकन के आखिरी दिन आज सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसके चलते निगम में विशेष सतर्कता बरती गई है। नगर निगम परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को नगर निगम में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं MG रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। किसी उम्मीदवार को कोई परेशानी न हो इसके व्यापक इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों के नामांकन हुए हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी निगरानी में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस दौरान प्रत्याशी के साथ निर्धारित संख्या में ही उन्हें परिसर में प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि नगर निगम के 21 कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु शहरी क्षेत्र, अपर जिलाधिकारी नगर, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के लिए SDM स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, ताकि प्रभावी ढंग से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को कराया जा सके। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि पिछले काफी दिन से नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आज नामांकन भरने का लास्ट डे है और आपके संज्ञान में होगा कि पार्टीज के कैंडिडेट बहुत लेट डिक्लेयर हुए, इसलिए आज हमें सभी को मिलकर, हमें DM साहब को और सभी ऑफिसर्स को या नगरपालिका में विशेष सतर्कता और विशेष ड्यूटीज लगानी पड़ी हैं, क्योंकि आज काफी बड़ी संख्या में जो हमारे पार्षद हैं और मेयर के चुनाव के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो काफी भारी संख्या में आज अपना नामांकन करेंगे आखिरी दिन पे। और ये जो ऑफिस है काफी व्यस्तम रोड पे है, MG रोड पे है, तो बाहर की भी ट्रैफिक डायवर्जन अलग से प्लान की गई है। जो हैवी ट्रैफिक है उसको नगर निगम के कार्यालय में आज 17 तारीख को आखिरी दिन नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अधिकतर जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आज नामांकन भरने के लिए आज उपस्थित हो रहे हैं। इस दौरान हमारे द्वारा, पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा, सभी जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है कानून व्यवस्था के दृष्टिगत। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्मूथली जो है ये सारी प्रोसेस चले। 11 से 3 बजे तक का जो निर्धारित समय है, इस दौरान जो जो नामांकन के जो हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं वो निर्धारित संख्या में ही गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं।